ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है भक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली रमनी भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे 15/12/2010 की। फर्स्ट पार्ट को पार्ट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बाबा का जो इस मुरली का सार था, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिकर बादशाह बनो। और सेकंड में, व्यर्थ को बिंदी लगाने की अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। दो खजाने हैं, समय और संकल्प। तो बाबा ने कल जो हमको बताया था, तो इसमें पहला हमको बेफिक्र बादशाह का सम्मान दिया था। तो बेफिक्र बादशाह है क्योंकि बाप ने फिक्र ले लिया है, हम बेफिक्र बादशाह है। मीन्स हमारा राज्य में हमारा पूरा मुल्क जो होता है, मुल्क होता है, उसमें कोई फिक्र नहीं है। खाली हम बेफिक्र नहीं, हमारा साथ जो रहते हैं संबंध, वो सब बेफिक्र है। हमारा कुल ही बेफिक्र बादशाहों का है। तो ये बेफिक्र बादशाह कैसे होता है ना? बाबा ने बोला कि मस्तक में लाइट चमकता है, क्योंकि बाबा दो कंपेयर किया था, फिक्र और फिक्र, फिक्र फकुर। तो फिक्र जो होता है वो बोझ की टोकरी होता है, और फकुर जो रहते हैं वो लाइट रहते हैं हमेशा। तो मस्तक में लाइट दिखाई देता है, तो इसलिए भक्त लोग डबल ताजधारी रूप में हमको पूजा करते हैं। एक तो लाइट का ताज है हमारा शरीर में, पवित्रता का ताज सिर पर ऊपर है, और साथ में विकारों को जीतने का भी है। तो इसका विधि बाबा ने बताया था कि मुझे दे दो बाप को, हद का मेरापन सब दे दो। तो तेरे को बजाय मेरे मनने से हम फिक्र आता 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 नहीं, फिक्र खत्म हो जाता है फिर। तो बाबा इसलिए बोला है कि सेवा का फिक्र अलग बात है, लेकिन अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। तो इसलिए बाबा आगे बताता है, अटेंशन देना है, बिंदी लगाना है। कोई भी बात हो जाती है, फिक्र आती है, चिंता आती है, परिस्थिति आती है, सिचुएशन बदलती है, उस टाइम तुरंत बिंदी, सेकेंड में बिंदी लगाने के लिए बाबा ने बोला है। तो इस अभ्यासी होंगे तो बाप का श्रीमत का हाथ में हाथ देके हम घर पहुंच जाएंगे आराम से। तो इसलिए बाबा ने आगे और दो बातों को ध्यान दिलाया, समय और संकल्प। समय क्या है ना, संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य है, विशेष है। तो ये एक जन्म महान जन्म है, क्योंकि ना एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई हम जमा करते हैं, प्रारब्ध बनाते हैं। इसलिए बाबा ने बोला है समय का महत्व, और संकल्प के साथ में बताया, संकल्प भी संगम के जन्म का विशेष आधार है। और इसको चेक करने के लिए दोनों को क्या बोला कि समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, ये हमारा चेकिंग है। तो फिर अटेंशन दिलाया क्या ना, हर सेकेंड हर संकल्प सफल हुआ है ना। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना पड़ेगा। साथ में आगे बाबा ने बताया कि संकल्प और संगम के समय को अंडरलाइन कराया बार बार। तो इसमें बाबा ने बोला, प्यार में तो हम सब पास है, लेकिन साथ में याद की सब्जेक्ट में जो प्यार होता है ना, उसको याद ऑटोमेटिक आती है, लेकिन बाबा ने बोला अलग अलग। किन्स प्यार होता है, चलते हैं, हाँ सुन लेते हैं, कर लेते हैं, तो वो प्यार है जो हल्का प्यार होता है। जैसे हमारा 5 बजे का टाइम है यहाँ पे, तो 5 बजे के बाद हम मान लो 5 मिनट, 5 मिनट के 2 मिनट, 3 मिनट के बाद आते हैं, तो प्यार में नंबर वार हो जाता है ना फिर। तो प्यार जिसको होगा वो पहले से ही इंतजार करेगा। तो प्यार का सब्जेक्ट साथ साथ याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों की, क्योंकि प्यार तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो याद की सब्जेक्ट का अटेंशन देने के लिए बाबा ने बोला है। तो विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चल पाएंगे, नहीं तो साथ नहीं चल पाएंगे। बाबा ने फिर रॉयल फैमिली के लिए जो बताया था, जो हमारा सबका बहुत ध्यान खींचने की बात है, रॉयल फैमिली में आऊंगा या नहीं आऊंगा ये अपने आप को पूछना है। इसलिए बाबा ने जो हमको मीटर दिया चेक करने के लिए कि ये परख कैसे करो ना, जब से आप आए हो, जब से मैं आया हूँ, जितना आयु आपकी ज्ञान की है, जब से बाबा को जाना तब से, उस समय से अगर आप बाप दादा के दिल तक तनसिन रहे हो, दिल तक तनसिन कौन रहेगा वो चिंतन के विषय है। तो जितना दिल तक तनसिन रहेंगे बाबा के कार्य में सहयोगी स्नेही संपूर्ण रूप में, तो तब वो बाबा का दिल तक बनता है। और कितना समय रहे उसी हिसाब से हमारा
जन्म आगे रॉयल फैमिली में आएगा कहाँ आएगा वो हम अपने आप चेक कर सकते हैं। तो अभी अटेंशन रखना है, बाबा ने बोला है पहली बार जो आए हैं उनसे आगे के लिए मैं आज की मुरली का थोड़ा 2-3 पॉइंट बताता हूँ। आगे बाबा आज पहली बार जो आए उनसे मिल रहा है, बाबा मिल रहा है तो बाबा बता रहा है कि अभी अटेंशन रखना, थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहो। तो मेरे हाथ में है मैं कितना बढ़ाना चाहूँ, पुरुषार्थ से तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो। और गुजरात जोन से मिलते हुए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया निर्विघ्न बनने में नंबर लेना हमेशा। और आगे विदेशियों से बात करते करते बाबा जातियों से ही बात करते करते जो गुजरात की जो फैमिली है जो ये है कन्याएं समर्पित है उनसे बात किया, बाबा ने उनको भी एक होमवर्क दे दिया कि कोई भी विघ्न को निर्विघ्न बनाने का निमित्त बनना है। और डबल पुरुषार्थियों के लिए विशेष बोला कि प्यार है मधुबन के वायुमंडल से तो इसलिए विदेशी बच्चों को वाह वाह करता है बाबा क्योंकि वो कैसे भी करके मधुबन में पहुंच जाते हैं। तो और पूरा विश्व को संदेश पहुंचाना है उनको होमवर्क दिया। तो बाबा आगे समय के लिए भी यहाँ दोबारा हमको अटेंशन खिंचाया क्योंकि समय हमारा इंतजार हम नहीं करें, समय हमारा इंतजार हर घंटे बोला हुआ नहीं, इसमें हर घंटे हर दिन आगे बढ़ने की मुबारक हो। आप जितना हम जितना समय को समीप लाने चाहते हो समाप्ति को उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना ये ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो, कर लेंगे है ना, कल कर लेंगे 500 रुपया ब्याज जैसे बहन जी ने 2 दिन पहले कराए थे कि हम सेवा में जाते हैं तो पहले 500 रुपया ब्याज फिर 500 रुपया ब्याज सेवा के बाद। तो ऐसे हमको समय को निकालना है और समय को समीप लाना है बाबा इसलिए बताता है आप समय को समीप लाओ। और बाद बाबा ने प्रकृति और दुखी आत्माओं की जो परेशानी है उसके लिए भी बाबा ने बताया कि वो बहुत दुखी हैं तो इसलिए शांति का किरणें दो, शांति का सकाश दो और इसलिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। अब आज का मुरली हम शुरू करते हैं। जो पहली बार आए हैं उनके लिए बाबा मिल रहा है। पहली बार जो बच्चे आए हैं वो उठो, पहली बार आए आधा क्लास तो नया है आए हैं, बाप दादा आने वालों को स्वागत कर रहे हैं, मुबारक हो पहली बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है, जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो बाप दादा और ये दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की, आगे बढ़ो ठीक है ना, हाँ करो आगे बढ़ो। अच्छा सेवा का टर्न गुजरात जोन का है, गुजरात उठो हाथ हिलाओ। गुजरात की संख्या ही इस हॉल में हॉल में आधे हॉल से भी ज्यादा है, अच्छा है। तो गुजरात से पहली बार आए हो वो खड़े रहो, अच्छा जो पहली बार आए हैं उसमें भी गुजरात ज्यादा है, अच्छा मुबारक है। आगे बता रहा है अभी गुजरात के रेगुलर आने वाले और टीचर्स उठो, अच्छा गुजरात सर्विस में तो आगे बढ़ रहे हैं अभी किस में नंबर लेना है, संख्या में तो नंबर ले लिया, अभी निर्विघ्न जो बाप दादा कहते हैं अभी किसी जोन का रिजल्ट में नाम नहीं आया है, सबका लक्ष्य है लेकिन अभी तक इस बात में नंबर नहीं लिया है। बाप दादा ने देखा ये नंबर लेना लक्ष्य रखते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में अभी प्लान भी बना रहे हैं अभी, और अभी ये समझे कि हमें नंबर लेना है निर्विघ्न के लिए। तो लेना है तो मुख्य इतने लोग जो उठे हैं वो अपने अपने सेंटर को एक एक अपने एरिया को अटेंशन देकर नई दुनिया में जाने की तैयारी कर सकते हो ना। वहां तो राजा सत्ययुग में वहां तो राजा प्रजा सब एक होंगे निर्विघ्न होंगे लेकिन संस्कार यहाँ वहां तो नहीं भरेंगे, यहाँ ही भरना है। तो बाप दादा सभी को छोटा जोन है या बड़ा जोन है ये रिजल्ट देखना चाहते हैं। बोलो निमित्त बनी हुई दादियां या दादे
ये पहला इनाम कौन लेगा? गुजरात लेगा। कब तक? 6 मास चाहिए। 6 मास जल्दी करेंगे। मुबारक हो। दादियां बोलो, पहला नंबर कब दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। आगे मधुबन वाले से बात कर रहा है। मधुबन वाले उठो। मधुबन वाले अच्छा हाथ हिलाओ। शांतिवन या ऊपर पांडव भवन है, जो 3 स्थान है ऊपर के और एक है नीचे शांतिवन और पांचवा हॉस्पिटल भी है, तो 5 पांडव हो गए। तो पहले मधुबन वाले करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। मिलाना जानते हो ना, मधुबन वाले तो लकी है। थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनाना, इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना है। लेंगे? अभी ऐसे हाथ करो। बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना, और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए, तो मधुबन वाले अगर मिलके, ये नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं ना, करेंगे। हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया। जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है? बाप दादा है, दादियां हैं, तो बड़ी बात तो है ही नहीं। दादियां क्या समझती है? मधुबन वाले नंबर वन अच्छा है, बाबा ने ये करके दिखाने का सबको कहा हुआ है। लेकिन मधुबन, मधुबन तो मधुबन है, गुजरात ने कहा करके दिखाएंगे, अच्छा है, सब वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का नाम निशान। चलो बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बार सभी ने पाठ पक्का किया था कि हाँ जी का, है ना, हाँ जी का पाठ पक्का किया था, तो ना शब्द नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो मधुबन पहला नंबर जाएगा। बाप दादा को मधुबन का फकुर है ना, एक हर एक जोन का फकुर है। अभी मधुबन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं, हाँ जी मिठी आत्मा, ये सब का पाठ पक्का है ना, तो पक्का है ना इनाम, तो ये दो पाठ हमारा हमेशा ब्राह्मण जीवन का, हाँ जी मीठी आत्मा, है ना, मीठी आत्मा मीन्स शुभ भावना, शुभ भावना आता है, शुभ कामना आता है मन में, और हाँ जी मीन्स कोई भी सेवा हो तो हाँ जी, तो कराने वाला बाबा है। तो 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो, चलो पुरुषार्थी है, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। कोई भी बात होती है पकड़ के उसको छोटा करके हम उड़ना है, तो उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं ना, तभी उड़ते हैं, तो बहुत अच्छा। अभी गुजरात कोई नवीनता करे। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। अभी बाप दादा को समाचार मिला, तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया है। अभी विश्व में ये फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है, और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है, अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में ये प्रसिद्ध हो जाए, हो तो सब एक पिता के बच्चे, आपस में भाई बहन है, ब्रदरहुड है, सिस्टरहुड है ना, ये आवाज फैलता रहे, एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो बना रहे हैं सभी, अभी बेहद में जा रही है, सबको मालूम हो, तो एक हर एक गॉड फैमिली है, ये प्रसिद्ध हो जाए, है ना, प्रसिद्ध क्या आवाज आता है कि एक फैमिली है, एक गॉड एक फैमिली। तो बाकी तो सभी जो भी आते हैं सेवा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हो, सो पुरुषार्थ भी कर रहे हो, और गॉडली कार्य है, ये भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, एक फैमिली है। अच्छा, अब गुजरात वालों से दोबारा बात कर रहा है। गुजरात वालों ने संकल्प तो किया है, बहुत अच्छा है, अभी कुछ नवीनता भी करो। हर जोन कुछ नया नया प्लान बनाए, सिर्फ मधुबन या बड़े शहर बनाए नहीं, सबके प्लान में कोई ना कोई विशेषता होती है, वो सब विशेषताएं मिला के एक ऐसा प्लान बनाओ जो सब समझे हमारा प्रोग्राम है। एडिशन जो भी करने चाहे वो अपना विचार दे सकते हैं, सिर्फ आवाज अभी जल्दी फैलाओ, उन्हों को भी टाइम तो मिले
जो रहे हुए हैं कुछ तो वर्षा पाए ना, तो अंत में आएंगे तो क्या पाएंगे, इसलिए सोचो जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ वर्षा पा लें, नहीं तो आपको उलना देंगे। हमको लास्ट में क्यों बताया, कुछ वर्षा तो लेने देते, मुक्ति का वर्षा तो मिलेगा सभी को, लेकिन जीवन मुक्ति का वर्षा है ना। अच्छा, अब गुजरात की 50 कन्याएं समर्पित हुई है, उनसे बाबा बात कर रहा है। अच्छा, शक्ति मिली, समर्पित होना अर्थात जो बाप दादा ने कहा वो किया, तो संकल्प किया बाप दादा का कहना और हमारा करना, ये संकल्प किया, हाँ हाथ उठाओ, तो समर्पण समारोह तो किया, लेकिन अभी आगे कौन सी ट्रेनिंग करेगी या समर्पण करेगी, कोई भी विघ्न को निर्विघ्न बनाने के निमित्त बनेगी, ये ताकत आई ना, हमको भी यही रखना है ध्यान, कोई भी विघ्न आए तो निर्विघ्न बनाने की हम निमित्त बनेंगे। तो समर्पण में ये तो हुआ ना, तो समर्पण किया, अब इसमें भी नंबर लेना है, निर्विघ्न रहेंगे और निर्विघ्न स्थान को बनाएंगे, नंबर लेंगे, अच्छा है, एक कदम तो उठाया है, अभी आगे कदम बढ़ाते ही रहना, अच्छा है, आगे आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, अभी आप मुख खोलो और गुलाब जामुन खाओ, बाप दादा भी समर्पण की टोली खिलाते हैं, है ना, ये प्यार है बाबा का। डबल विदेशी से बाबा बात कर रहा है, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी, डबल तीव्र पुरुषार्थी, है ना, तो डबल काम करना है ना, तेरे को मेरे को परिवर्तन करना है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है और बिंदी लगाना है, डबल काम करना है और तीव्र गति से करना है, तो इसलिए डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो बाप दादा ने देखा उमंग उत्साह बहुत है, कैसे भी हो लेकिन मेजोरिटी मधुबन में हर साल में पहुंच जाते हैं, परिवार और बाप दादा से सम्मुख मिलन का उमंग बहुत है, चाहे कैसे भी जमा करे, लेकिन बाप दादा ने देखा इनो की टिकट जमा करने के भी भिन्न भिन्न तरीका बहुत अच्छे हैं, कैसे भी करके हर साल मेजोरिटी पहुंच जाते हैं, विदेश को भी इंडिया बना दिया है ना, विदेश को भी इंडिया बना दिया है, प्यार है ना मधुबन के वायुमंडल से, और बाप दादा भी ये उमंग उत्साह और इनो के भिन्न भिन्न जमा करने की तरीका देखकर बहुत दिल से प्यार आता है, वाह विदेशी वाह। तो विदेश में दादी ने भी क्या बनाया ना, मधुबन का मॉडल बनाया, तो इसलिए विदेश को भी बाबा बोलता है इंडिया बना दिया, पहले बड़ी बात लगती थी लेकिन अभी ऐसे ही आते हैं हर ग्रुप में, जैसे और ग्रुप आता है, इंडिया का ऐसा कोई ग्रुप नहीं जिसमें विदेशी नहीं आए, तो ये है मधुबन के और सारे विश्व के परिवार से प्यार। तो बाप दादा से तो प्यार है ही, बाप दादा को जो जैसे दिल से सब कहते हैं मेरा बाबा, तो क्योंकि बाप दादा अमृत वेले विदेश में, बाप दादा को सब कहते हैं बाप दादा अमृत वेले भी विदेश में चक्र लगाता है, बाप दादा को आने जाने में कितना समय लगता है, वहां भी बाप दादा चक्र लगाते हैं, देखते हैं कैसे रहते हैं, बाबा देखता है हम कैसे रहते हैं, किस पोजीशन में सोते हैं, कैसे खाते हैं, क्या याद करके खाते हैं, तो लगन है, मगन बनने में पुरुषार्थ अच्छा है, अभी एक लगन मेजोरिटी विदेश वालों की देखा है, जैसे इंडिया में रहे हुए स्थान रह नहीं जाए ऐसे विदेश में भी अभी बढ़ता जाता है, जितना हो सकता है उतना चक्र लगाते भी सेवा करते रहते हैं, अभी विदेश में के कितने से देशों में सेंटर है, कोई ने उत्तर दिया 137 देशों में सेवा चल रही है, कितने सालों में इतने बने, 2011 में लंदन वाले 40 साल मनाएंगे, अच्छा ताली बजाओ, कई जगह मेक्सिको में स्पेन आदि 30 वर्ष का मना रहे हैं, अच्छा है, आप सबको भी सुनकर खुशी होती है ना, है ना, वो क्यों, कोई भी देश चाहे इंडिया का चाहे विदेश का, कम से कम बाप आया है ये संदेश भी पहुंच जाए, ऐसा नहीं कहे कि मेरा बाबा आया और मेरे को संदेश भी नहीं दिया, है ना, तो सोच लो, है ना, मेरा बाबा आया मेरे को संदेश नहीं दिया, किसी का संकल्प नहीं चले ऐसा, चाहे इंडिया में चाहे विदेश में, चलो काफी समय नहीं आवे लेकिन संदेश तो सबको मिले, भगवान आ गया, भगवान आया और वर्षा दे के चला गया, इसमें रह नहीं जाए, है ना, तो ये संदेश देना आपका काम है, चलना उनका काम,
लेकिन संदेश पहुंचाना ये आपका काम है, जो जहां रहते हैं, है ना, मेरा मेरे एरिया में संदेश रह जाए तो कौन होगा, उसका कारण मैं हूँ, तो सबको संदेश देना है। अभी जैसे साइंस के साधन बढ़ते जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कोई भी बात फैलती जाती है ना, ऐसे प्लान बनाओ सब तक संदेश तो पहुंच जाए। व्हाट्सएप है ना हमारे पास, कितना जल्दी जल्दी संदेश दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। हो सकता है, मुश्किल है नहीं, तो अभी लिस्ट निकालो, भारत में कितने तक संदेश पहुंचा है, विदेश में कहां तक पहुंचा है, कोई साधन निकालो, चाहे साइंस के साधन, चाहे वैसे भी संबंध रखने का साधन, लेकिन उल्लेखना न मिले। अभी तो कई देश निकलेंगे जहां संदेश नहीं पहुंचा है, बहुत अच्छे साधन निकल रहे हैं, लेकिन उनको यूज कैसे करें वो प्लान बनाना पड़े, है ना, प्लान के साथ करना है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं, और मुबारक ये याद रखना है, हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, हम कल कर लेंगे, ये समय का इंतजार होता है, अभी कर लेंगे वो समय हमारे पास आता है। तो आप समय को जितना समीप लाना चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, ये आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो, अंडरलाइन करने की बात है, समय आने पर हम तैयार होंगे, ये ब्राह्मणों का संकल्प नहीं है। आप समय को समीप लाओ, समय बाप को कहता है, क्या कहता है, समय बाप को कहता है, अभी ब्राह्मण आत्माएं समय को समीप लाए, प्रकृति भी बाप को कहती है, अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दें, बाप दादा क्या जवाब दें, तो समय आया कि आया ये कहें, आपकी तरफ से ये जवाब दें, क्या जवाब दें, बोलो क्या जवाब दें। तो अभी समाप्ति को समीप लाना, अर्थात स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाना, तो ये है हमारा समय को समीप लाने की तरीका, स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएंगे, बच्चों सहित जाएगा, तो डेट फिक्स करना है कब तक, है ना, काम तो दिया है, आप अब आपस में राय करना, बाप दादा जवाब क्या दें प्रकृति को, फिर दोबारा पूछ रहा है, प्रकृति बहुत परेशान है ना, समझ में आ रहा है हमको, प्रकृति बहुत परेशान है, कितनी बाढ़ आती है, तूफान आती है, हलचल होती है, तो ये प्रकृति का परेशानी की निशानी, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही है ना, ये तो सुनाई दे रहा है ना, जो साइलेंस में रहेंगे उतना सुनाई देगा। तो मनसा सभी मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ, करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे ना, कर ही रहे हैं, लेकिन उसको रेगुलर और थोड़ा सा सिस्टमेटिक, तो वो और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती है, चिल्लाती है ना, हमारी भाई बहने चिल्ला रहे हैं, प्रकृति हमारी दासी चिल्ला रही है, तो आप उनको कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ, वो एक सेकेंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो, जैसे भूखा होता है तो समझता है ना, कुछ भी मिल जाए ना, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा भी को बढ़ाओ, अटेंशन मनसा सेवा को बढ़ाओ, बाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है वो याद रखना और रखवाना, है ना, बाबा का हिंदी भी अलग है, रखना और रखवाना। अच्छा, बाप दादा से याद कर लेते हैं, बाप दादा के दिल तक नसीन बच्चों को, हम कौन है ना, दिल तक नसीन भगवान के, तो विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले को, विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले हम हैं, तो हमको बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो दे रहे हैं, तो हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों को नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं, बाप दादा को भी डबल नमस्ते 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 मीठे बाबा। अब आगे चलते हैं, दादियों से बाबा बात कर रहा है,
तो दादियों ने कोई दादियों में से कोई बोले बाबा का फोर्स सभी को प्रेर रहा है, जल्दी सबको संदेश मिल जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं पहुंच रहा है, लेकिन ये जो संस्कार है ना, सुनते हुए फोर्स आता है लेकिन संस्कार बीच में पर्दा लगा देता है। बाप तो कर रहा है लेकिन सभी संगठन में वायदा करें, हम सब वायदा करें, हम सब मिल करके दिखाएंगे और साथ में रोज अपना रोज जो साथ में रहते हैं वो सब मिल करके लेन देन करके फिर सोएं, है ना बाबा। और एक साथ में ऑडिशन कर दिया, रात को सोने से पहले हम सब मिल करके क्या करेंगे, वायदा करेंगे। और दिन कैसा रहा हमारा, आज दिन कैसा संपन्न हुआ, ये बाप दादा ने रात के एंड के लिए गुड नाइट से पहले बात करने के लिए बोला। तो मोहिनी बहन से बाबा बात कर रहा है, मोहिनी बहन बोल रहे हैं पैर नहीं चलते हैं। बाबा बोल रहा है ठीक हो जाएगा, ये तो बीच में थोड़ी ही गलती की इसलिए बढ़ गया, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो, जो डायरेक्शन मिले उस अनुसार करो, हो जाएगा, है ना बाबा। वो मोहिनी बहन बोल रही है बाबा शरीर को जवान बना दो ना। तो बाबा बोल रहा है ना, चतुर सुजान बाबा क्या बोल रहा है, ये ड्रामा के हाथ में है, बाबा के हाथ में नहीं, है ना। बाप दादा कभी शरीर को ठीक करने के लिए नहीं बोलता, मैं कर दूंगा, ठीक है, बाप दादा के हाथ में ही है। मोहिनी बहन दोबारा रिपीट कर रही है, बाप दादा बोल रहे हैं वो टेम्पररी काम चलाने के लिए, है ना, कोई सेवा करना होगा कुछ करना हो तो टेम्पररी बाबा तो ठीक कर देता है, लेकिन परमानेंट तो हमारे कर्म भोग के साथ ड्रामा के साथ करना ही पड़ेगा। तो परदादी मतलब निर्मल शांता दादी जो बाबा की बच्ची है उनसे बाबा मिल रहा है, देखो ये खुश रहती है ना। और रमेश भाई जी से बात कर रहे हैं, जो आपने प्लान बनाया वो ठीक है, कर सकते हो, बैठकर अपना प्लान बनाकर शुरू कर सकते हो। और नई नई इन्वेंशन जो निकल रही है ना, वो क्या क्या निकल रही है, हम लोगों को उसमें क्या फायदा हो सकता है, जो चल रहा है वो तो चल रहा है, नवीनता निकालो। और शांति बहन से बीमारी में स्वयं को चलाना ये अच्छा आ गया है, बीमारी में भी ब्राह्मणों को चलाना आ गया है। बोलता है कोई बैठ जावे मैं तो बीमार हूं, नहीं आपको चलाना आ गया है। वो शांति बहन बोल रहे हैं कि बाबा आपको थैंक्स, बाबा रेस्पॉन्ड कर रहा है आपको भी थैंक्स जो शरीर को चलाना आ गया है। अब गोलो भाई से जो शांति बहन में सोलार लगवा रहे हैं, तो वह बात कर रहा है अभी डर निकल गया है ना, आगे क्या होगा कैसे होगा वो डर नहीं है ना, क्योंकि सभी का संकल्प है, सबका उमंग है तो होना चाहिए, इसलिए सभी का संकल्प ला रहा है। ओम शांति, थैंक यू। अभी कुछ सेकंड मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर हम शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि समय आने पर तैयार होना यह ब्राह्मण का संकल्प नहीं है। अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाना। बाबा ने कहा प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही है, मनसा सेवा अभी अभी ज्यादा बढ़ाओ, उनको कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ, वह एक सेकंड की शांति भी चाहते हैं, तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो और निर्विघ्न रहना है, क्योंकि नई दुनिया में तो राजा प्रजा सब एक होंगे, निर्विघ्न होंगे, तो उसके संस्कार वो अभी भरने होंगे। इससे पहले बाबा ने याद दिलाया था कि याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। तो जब हम योग अमृत वेला तीव्र शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योग करेंगे तो हमारे विकर्म अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होंगे, तो उससे फिर निर्विघ्न बनेंगे। तो वो संस्कार अभी हमें करने हैं और अपने विकर्म विनाश याद की स्वरूप में बाबा से योग लगा के तीव्र पुरुषार्थ करके अभी समाप्त करने हैं। ओम शांति। ओम शांति। कुछ जी बोलिए भाई जी। बोले दीदी, आप बोलिए। अच्छा भाई जी, आज बाबा ने कहा है कि गुजरात को जो काम दिया था उससे कहा कि सबका सब वाइब्रेशन देना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, विघ्न का नाम निशान नहीं। बाबा कहते हैं कि चलो कोई बात हुई, लेन देन किया, खत्म। बाबा अभी एक दादी का याद दिला रहे हैं कि एक बार दादी को पाठ कहा था कि हाँ जी, एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था हाँ जी, ना शब्द नहीं, हाँ जी शब्द बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं कि मधुबन पहला नंबर ले जाएगा। आगे बाबा कहते हैं कि बाप दादा को मधुबन का फकूर है ना, हर एक जोन का फकूर है। अभी मधुबन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हाँ जी मीठी आत्मा, यस पाठ पक्का करो। इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए, लेकिन एक सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी है, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को पीछे छोड़ देते हैं, तभी उड़ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जो पहली बार आए हैं उठो, ये मत सोचो कि लेट आए हैं, लेकिन टू लेट नहीं हुए हो। अभी तीव्र प्रसाद का टेंशन रख के जितना चाहो उतना अपने भाग्य बना सकते हो, अपने भाग्य को बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। एंजल आशा दीदी जी, आप शेयर कर रहे थे, आपका आवाज नहीं आ रहा था, अभी आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि गुजरात जोन के लिए अंत में आएंगे तो क्या पाएंगे, इसलिए सोचो जल्दी जल्दी कुछ वर्षा तो लेने देते, मुक्ति का वर्षा तो मिलेगी ही सभी को, लेकिन जीवन मुक्ति का वर्षा। ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा ने कहा है कि सभी को निर्विघ्न बनना है, अपना सेंटर भी निर्विघ्न बनाना है, तो उसका क्या मतलब भावार्थ क्या है, उसका विधि क्या है, वो शेयर कर सकते हैं, उसका चिंतन हम सभी। और दूसरा बाबा ने बोला है कि आपको डेट फिक्स करना है अपने संपन्न और संपूर्ण बनने की, क्योंकि ये बाबा ने 2004-05 की मुरली में भी कहा था, शायद हम सभी आत्माओं ने नहीं किया होगा इसलिए बाबा रिपीट कर रहे हैं। तो कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, दो पॉइंट में हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं जिससे हम सभी को फायदा हो जाए। ओम शांति।
ओम शांति। जी गौरव भाई जी बोलिए। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है मुझे? मेरा वॉइस क्लियर है? नहीं जी, बहुत स्लो आ रहा है। शायद आप हेडफोन निकाल दीजिए और फिर। अच्छा, हेलो, अभी ठीक है भाई साहब? जी जी ठीक है। तो जितना हम ये अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि हमें स्वमान में रहना है दिन भर, और जो बाबा ने बार बार ये ड्रिल का हमें अभ्यास बताया है, तो इससे ही हमारा ये संपूर्ण का समय समीप आएगा। और बाबा ने बीच में बोला भी है कि मनसा सेवा को बढ़ाओ, तो मनसा सेवा को अगर हम बढ़ाते हैं, इस प्रकृति को भी और सर्वात्माओं को भी वो शक्ति मिलती है बाबा की। साइंटिस्ट इवन जो अभी ये कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने आगे सतयुग का कार्य करना है, उनको भी वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो बाबा की वाइब्रेशन से सारा परिवर्तन हो रहा है। तो हमें ये अटेंशन हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने स्वमान में रहें और अपना मनसा सेवा और ड्रिल जैसे भी करके अपनी स्मृति स्वरूप बन के रहें, तो उसी से ये सब परिवर्तन होगा। ओम शांति। बाबा बोला जे व्यर्थ संकल्प आया और प्रॉब्लम आया तो बिंदी लगाओ तो सब प्रॉब्लम समाधान होगी। और बाबा बोला जे दुखी अशांत मनसा सेवा पारो, दुखी अशांति आत्मा के सुख शांति का अंजलि दाओ। ओम शांति। ओम शांति। जो संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए जैसे बाबा बोलते कि टारगेट डेट दो या कोई डेट फिक्स करो, उसके लिए ऐसे हम कर सकते हैं कि हम पहले अपने आप को एनालिसिस करें, अपना एनालाइज करें कि कहाँ पर अभी भी हमारी कमी कमजोरियां रही हुई है, और वो कमी कमजोरियों को जैसे ये तो बड़ा लक्ष्य है कि संपन्न और संपूर्ण बनना, लेकिन उसको वहां तक जाने के लिए हमारे अंदर जो अभी भी कमियां कमजोरियां या ऐसे कुछ संस्कार रहे हैं जिनको हमें बदलना है, उसके लिए हम छोटे छोटे टारगेट्स फिक्स कर सकते हैं कि जैसे क्रोध अभी भी रहा है, अंश मात्र में भी रहा है या थोड़ी मात्रा में, तो हम उसका पूरा डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कि कब कब क्रोध आता है, किस व्यक्तियों पे क्रोध आता है, किस परिस्थितियों में आता है। ऐसे कोई भी अगर हमारे अंदर विकार का अंश है तो उसका डिटेल एनालिसिस करके और फिर उस पर हम एक एक्शन प्लान ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके का पुरुषार्थ करना चाहिए, या क्या क्या युक्तियां ये बाबा ने जो भी हमको योग की या ज्ञान की क्या क्या पॉइंट्स को हम यूज करें जिससे हम इसको खत्म कर सकें। और इसको क्लोजली मॉनिटर करना है, जैसे हफ्ते भर का हमने टारगेट ले लिया या 15 दिन का कि इसको मुझे बस फोकस करके ये चीज को हटाने ही है दृढ़ता के साथ। तो जब हम एक चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो वो चीज वो संस्कार हमारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो मोटे मोटे संस्कार होते हैं वो तो हम कर ही लेते हैं और कर ही लिया है हमने अभी तक, लेकिन जो बहुत सूक्ष्म में रह गए हैं वो हमको खुद को ही एनालिसिस कर और उसके ऊपर कोई एक्शन प्लान बनाकर और दृढ़ता के साथ उसके पीछे पड़कर हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर हम अपने जो मेन लक्ष्य है कि बाप समान बनना है या संपन्न बनना है वो हम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि डेट फिक्स करना एक अच्छा तरीका रहता है कोई भी चीज करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं ना सारे दिन भर में अभी हमें कहाँ जाना है, तो हम उसके अनुसार जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि भाई 10 बजे हमें जाना है कहाँ। अगर नहीं जाना रहता तो वही कार्य हम बहुत आराम से करते हैं और उसको 12 बजे तक लेके जाते हैं। तो डेट फिक्स करने से ये फायदा होता है। लेकिन बाबा ने पिछली मुरलियों में कहा था कि तीव्र पुरुषार्थ से आपकी डेट फिक्स हो जाएगी, तो हमें स्थूल डेट भी फिक्स करनी है। बाबा ने वैसे लक्ष्य दिया है 6 मास का,
और सूक्ष्म में भी तीव्र पुरुषार्थ करके डेट फिक्स करनी है। तो अभी टाइम हो रहा है, तो रमनी भाई जी हमें होमवर्क देंगे और 2-3 मिनट योगाभ्यास भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो होमवर्क में आज लेंगे हम प्रकृति और आत्माओं को, बाबा ने बोला थोड़ा थोड़ा शांति और सुख का एक एक सेकंड का भी अनुभूति कराओ। तो होमवर्क में हम लेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे कि प्रकृति को और दुखी आत्माओं को, जो भी हमारा भाई है बाहर से भले दुखी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सबको हमको सुख और शांति की अनुभूति कराना है बीच बीच में। तो साथ में जो उमंग उत्साह में रहना है कि जैसे कोई भी मिले किसी को भी, तो अपना निर्विघ्न रहेंगे और किसी के लिए भी विघ्न नहीं बनेंगे और खुद भी निर्विघ्न रहेंगे और सेंटर के वातावरण को भी निर्विघ्न बनाएंगे। बार बार अभ्यास रखेंगे, मेरे वजह से किसी को संकल्प नहीं आए, किसी का संकल्प में भी विघ्न नहीं आए, तो ये ध्यान रखेंगे दिन भर। और मेरे को तेरे में जो परिवर्तन करना है वो तो बाबा ने बताया है, हमें परिवर्तन करके बेबीजर बादशाह बनकर दिन भर हम व्यतीत करेंगे बाबा की याद से। ओम शांति। अब 2 मिनट हम बाबा को प्यार से, बाबा से शक्ति लेते हैं, क्योंकि शांति और सुख तो हमारे पास लिमिटेड है, तो हम उतना बाबा से लेंगे, अपने में भरेंगे, फिर जैसे फुहार की तरह पूरे विश्व की आत्माओं के ऊपर है ना फैला देंगे। तो पहले 1 सेकेंड में श्रेष्ठ संकल्प करें कि मैं परम धाम में बाबा के साथ बैठा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शांत हूं। शांति के शक्ति से भरपूर हूं। मेरा तन मन दोनों शांत है, बिल्कुल हलचल नहीं। बाबा से शांति की किरणें मुझ में समाता हुआ फिर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहा है। अनुभव करें मुझसे शांति की वाइब्रेशन कल्प वृक्ष के सभी आत्माओं रूपी पत्तों को, सब पत्ते हरे भरे हो रहे हैं, सब शांति की शक्ति से शांत हो रहे हैं। साथ साथ सुख का भी अनुभव हो रहा है उनको। और 2 सेकेंड के लिए प्रकृति को भी देखें, पांचों प्रकृति जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश, पांचों प्रकृति को मैं दृष्टि दे रहा हूं। बाबा की किरणें लेकर उनको भी पावन बना रहा हूं। ओम शांति। थैंक यू सबका। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, उसके साथ साथ होमवर्क भी दिया और क्रिएटिव योगा अभ्यास भी कराया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Good morning. Happy Sadhguru to all. Have a nice day.